नरेंद्र मोदी इंडिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी करप्ट नहीं है और उनका हर एक्शन देश के भले के लिए होता है और कोई भी निजी लाभ के लिए नहीं। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सामाजिक व्यक्ति हैं और वो अपने शब्दों से अपने एक्शन से ज्यादातरों को बांध लेते हैं। उनके एक्शंस को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम उन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे जो नरेंद्र मोदी जाने या अनजाने में यूज करते हैं साइकोलॉजिकली जनता को आकर्षित करने के लिए और जनता में अपने प्रति ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं यू कैन डू वंडर्स। इन प्रिंसिपल्स को कहते हैं साइकोलॉजिकल लाइफ हैक्स। इनको आप भी यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन विद कॉमेडी। यह तो सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत फेमस है। नरेंद्र मोदी कठिन स्थितियों को कॉमेडी से टैकल करते हैं। यह नरेंद्र मोदी की स्किल अमेजिंग है और इंडिया के किसी भी पॉलिटिशियन से लाख गुना बेहतर है। आप खुद ही देखिए, इस सीन में नरेंद्र मोदी का माइक बंद हो जाता है और वो कैसे इस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं कॉमेडी यूज करके, यह देखने लायक। क्यों ना हालोल कालोल बड़ौदा, मैं माइक वाला का आभारी हूं क्योंकि वैसे इस कार्यक्रम की कोई खबर नहीं आती, लेकिन अब कल जरूर खबर आएगी। और अगर ऐसा कुछ कभी किसी दूसरे पॉलिटिशियन के साथ होता है तो वो कैसा बिहेव करता है, ये भी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी कैसे इस सिचुएशन से घबरा गए और इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए। प्रिंसिपल नंबर 2, लीस्ट क्रिटिसिज्म। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा था, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। मैंने इस बुक का टेक अवे वीडियो बनाया है जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। पॉलिटिक्स में दूसरों की बुराई करना आम बात है, और आम बात ही नहीं पॉलिटिक्स में तो ये जरूरी है, लेकिन पॉलिटिशियन कितने हद तक दूसरे की बुराई करता है, कितना वो एक्चुअल सिचुएशन को एड्रेस करता है और कितना वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है गलत चीजों के लिए, इस चीज का रेशियो सही होना जरूरी है। सभी डेमोक्रेसी में एक दूसरे की बुराइयां होती है, लेकिन इंडिया के पॉलिटिशियंस को दूसरों की बुराई करने के लिए तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अगर आप हर वक्त दूसरों की बुराई करेंगे तो जनता आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। सबकॉन्शियसली जनता को लगेगा कि यह इंसान खुद की जिम्मेदारियां तो छोड़कर दूसरों को जिम्मेदार बता रहा है, और यह चीज नरेंद्र मोदी अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो दूसरे पॉलिटिशियंस की अपेक्षा बहुत बहुत कम बुराई करते हैं। अगर आपने उनकी स्पीच सुनी होगी तो वो हमेशा फ्यूचर के प्लान्स बताते हैं, मोटिवेशन करते हैं यंगस्टर्स को, स्पेशली एग्जीक्यूशन की बात करते हैं और बहुत कम दूसरों की बुराई करते हैं। प्रिंसिपल 3, जोक्स। साइंटिफिकली फीलिंग और एक्शंस कंटेजियस है, मतलब अगर आप दुखी हो तो आप कुछ हद तक दूसरे व्यक्ति को भी दुखी करोगे, अगर एक्साइटेड हो, ऊर्जा से भरे हो तो दूसरे व्यक्ति को भी एक्साइटेड बनाओगे, और अगर आप हंस रहे हो तो आप दूसरे व्यक्ति को भी हंसाओगे। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे यह इम्पोर्टेंट क्यों है। वेल, यह जोक क्रैक करने की हैबिट जो नरेंद्र मोदी की है फिनोमिनल है। जब आप एक जोक क्रैक करते हो, हंसते हो, तो दूसरा व्यक्ति डिफेंसिव स्टेट से बाहर आ जाता है और वह आपकी बातों को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। साइंटिफिकली लाफिंग दो लोगों के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्रिएट करती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट और सीरियस स्पीचेस के बीच जोक्स क्रैक करते हैं, जनता में एक ईज का स्टेट आ जाए और जनता नरेंद्र मोदी के आइडियाज और बातों को आसानी से मान ले। प्रिंसिपल 4, प्रेज अदर जेन्युइनली एंड ऑफन फॉर गुड जॉब। यानी वो अच्छे काम के लिए दूसरों की हमेशा तारीफ करते हैं। इस एक्ट से मोदी ऑथेंटिक नजर आते हैं, जेन्युइन नजर आते हैं, विश्वसनीय नजर आते हैं, और जिनकी वो तारीफ करते हैं उनको खुद को भी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है और अर्ज होती है कि वो अच्छे काम और भी करते रहें। प्रिंसिपल 5, द कॉन्फिडेंस करिश्मा। एक अच्छे लीडर का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन क्या है, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है कॉन्फिडेंस, क्योंकि जनता उसी को फॉलो करेगी जिसमें खुद पहले कुछ करने की क्षमता हो, और वो क्षमता कॉन्फिडेंस से रिफ्लेक्ट हो सकती है। नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, तो नरेंद्र मोदी अपने कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए पहला बिना पढ़े स्पीच देते हैं, उनको हिंदी में बोलना हो या फिर टूटी फूटी इंग्लिश में, वो बिना पढ़े बोलते हैं। और जब आप दूसरे व्यक्ति से या फिर कैमरे से आई कॉन्टेक्ट करते हैं तो ट्रस्ट रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड, इंटरनेशनल इवेंट्स में हिंदी में बात करना।
यह उनकी एक फैंटास्टिक क्वालिटी है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्फिडेंस शो करती है। यह चीज हर कोई नहीं कर सकता। इस क्लिप में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे करते हैं ये चीज। थैंक यू। मैं जब यहां आया, टू इंडियन पीपल रिक्वेस्टेड मी दैट आई शुड स्पीक इन हिंदी। थर्ड और एक्सलेंट रिप्लाइज देना। नरेंद्र मोदी अपने रिप्लाइज के लिए काफी जाने जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल, किसी भी बात का हो, उसको कैसे सही तरह से हैंडल करा जाए, कैसे उसका सही रिप्लाई दिया जाए, यह चीज नरेंद्र मोदी से सीखने लायक है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी एक मैन ऑफ एक्शन है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। इससे ऑटोमेटिकली जनता का ट्रस्ट मिलता है। आपका क्या सोचना है? क्या आप भी नरेंद्र मोदी की इन फिनोमिनल स्किल्स से इंप्रेस्ड हैं? आपके हिसाब से और कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके पास गजब की लीडरशिप स्किल्स हैं? कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगली बार तक ले गुड बाय। मैं यह जानता हूँ कि यू कैन डू वंडर्स।